नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हाउ डू वैक्सीन वर्क, जो वैक्सीन है वो किस तरह से अपना काम करती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन कब दी जाती है, कब वैक्सीन लगाई जाती है, जब कोई डिसीज होने वाली होती है, ठीक है ना, या किसी को कोई डिसीज हो गई होती है, कोई बीमारी हो गई होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की हम बात कर लें, मनुष्य की बात कर लें, तो उसको अगर कोई बीमारी हो गई है तो कुछ बीमारियों में क्या दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन किसका काम करती है, तो वैक्सीन एक तरीके से बेटा एंटीबॉडी है। क्या है वैक्सीन, है क्या, तो वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडी है। आपको पता है जब किसी भी ह्यूमन को क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में, इस डिसीज के अगेंस्ट में जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है वो इस डिसीज के अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है किसके अगेंस्ट में, डिसीज के अगेंस्ट में। ठीक है, चलो, तो जब कोई डिसीज होगी तो हमारी बॉडी में जो है ऐसी चीजें पाई जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पाया जाता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। आपको पता है ना कि आपकी बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है, वो आपकी बॉडी को क्या रखता है, एकदम बढ़िया से मस्त रखता है, आपकी बॉडी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही कोई बीमारी हुई, जैसे ही कोई डिसीज हुई, तो तुरंत हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडी उस डिसीज को क्या कर देगी, किल कर देगी, उसको मार देगी। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि ये वैक्सीन यहां पर क्या करेगी, डिसीज को मार देगी। ठीक है, अब बात आती है ये वैक्सीन करेगी क्या, तो ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इस वैक्सीन को कब दिया जाता है, पहले ही, है ना, वैक्सीन कब दिया जाएगा, पहले ही मनुष्य को वो बीमार ना हो पाए, बीमार होने के पहले ही उसको दे दिया जाएगा, किसी ह्यूमन बॉडी को डिसीज ना हो उसके पहले ही वो वैक्सीन दे दी जाएगी। तो वैक्सीन एक तरीके से क्या है, ग्रुप ऑफ डेड माइक्रोब्स। ठीक है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज अ ग्रुप ऑफ डेड माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स का ग्रुप तो है, लेकिन कौन से माइक्रोब्स का ग्रुप है, डेड, है ना, वो डेड माइक्रोब्स का ग्रुप है। और जैसे ही ये डेड माइक्रोब्स के ग्रुप को, मतलब वैक्सीन को, हमारी बॉडी में क्या किया जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, एंटर किया जाएगा, एंटर टू ह्यूमन बॉडी। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाएगा तो वो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, और उस डेड माइक्रोब्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी बन जाएंगे। ठीक है, देखो एक बार हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज अ ग्रुप ऑफ डेड माइक्रोब्स या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डेड माइक्रोब्स का ग्रुप है क्या, वैक्सीन, और इसको क्या किया जाता है, इस डेड माइक्रोब्स के ग्रुप को या फिर इस वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है, एंटर टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस वैक्सीन को क्या किया जाएगा, एंटर टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको एंटर किया जाएगा, जिससे होगा क्या, जिससे ये जो वैक्सीन है ये प्रोड्यूस करेगा क्या, वैक्सीन प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में या किसी भी ह्यूमन सिस्टम में ये एंटीबॉडी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हमने आपको क्या बताया, वैक्सीन कब दी जाती है, ये वैक्सीन दी जाएगी डिसीज होने के पहले, कब दी जाएगी, प्रायर टू अफेक्टेड डिसीज,
किसी भी डिसीज के अफेक्ट होने के प्रायर उसके पहले ही क्या दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। और ये वैक्सीन क्या करेगी, अभी वो ह्यूमन बॉडी इफेक्टेड नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के इफेक्ट ना कर जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में पहले से ही वैक्सीन को दे दिया गया है, ये वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में एंटर करा दिया गया है, जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बने रहेंगे, भविष्य में इन फ्यूचर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको किल कर देगी। इन फ्यूचर जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में पड़े रहेंगे और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो हाउ डू वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बने रहते हैं जैसे ही जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ना, क्या लिखोगे, व्हेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर टू ह्यूमन बॉडी दिस एंटीबॉडी किल दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।